आपने विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध नारे लगाते तो देखा होगा, लेकिन सोलन में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जिसने भाजपा महिला कार्यकर्ता महिला कांग्रेस नेता के लिए इंसाफ मांगते नजर आए। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस महिला नेता के पक्ष में नारेबाजी की और कांग्रेस महिला नेता के लिए न्याय भी मांगा। रश्मिधर सूद ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिलाओं का अपमान किया है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। रश्मिधर सूद ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही महिलाओं को मान सम्मान नहीं देती है और वे अपनी ही महिला नेताओं का आदर करना भी भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि हुड्डा कंपनी ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और खुद ट्रैक्टर पर बैठे रहे और महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाया, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस घटना से सभी महिलाएं आहत हुई हैं। चाहे ये घटना कांग्रेस महिला नेता के साथ हुई है, लेकिन भाजपा देश की किसी भी महिला की बेइज्जती सहन नहीं कर सकती, इसलिए हुड्डा कंपनी को महिला से माफी मांगनी चाहिए। यहां वास्तव में घटना के जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लेकिन महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्हें हुड्डा कंपनी के ट्रैक्टर और मालिक बता रहे हैं। इस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए आधी अधूरी जानकारी के साथ ये प्रदर्शन किया गया है। देखिए, एक वीडियो जिसमें महिला जो है कांग्रेस की ही महिला है जो MLA है हरियाणा में, हुड्डा जो कंपनी है उस टीम को जो है वो ट्रैक्टर को खींचते हुए नजर आती हैं। कितनी शर्मनाक घटना है ये। और एक महिला जो है वो ट्रैक्टर खींच रही है और हुड्डा कंपनी ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं। उन्हें चाहिए था उस महिला को ट्रैक्टर के ऊपर बिठाते और खुद खींचते। महिलाओं का अपमान, वो भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। तो कांग्रेस महिलाओं का मान सम्मान कहाँ करती है? उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन महिलाओं के मान सम्मान में कभी भी वो आगे नहीं आए। हर जगह उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है और इसको हम अपना अपमान मानते हैं, महिलाओं का अपमान मानते हैं। और इसलिए हम आग्रह करते हैं हुड्डा कंपनी को कि वो महिलाओं से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये ऐसा कृत्य है जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है।